हाय दोस्तों, मेरा नाम सोनू यादव है। आप देख रहे हैं नेवी बाय सोनू 1M चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे मर्चेंट नेवी में कितनी पोस्ट होती है, पोस्ट के अकॉर्डिंग काम क्या होता है, और सबसे मेन टॉपिक है पोस्ट के हिसाब से सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, इसके बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में सिर्फ पर 3 डिपार्टमेंट होते हैं। तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है और अलग अलग पोस्ट होती हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है डेक डिपार्टमेंट। शिप पर जो भी सामान जा रहा होता है उसका सुरक्षा करना डेक डिपार्टमेंट में होता है। दूसरा इंजन डिपार्टमेंट। इंजन और मशीनरी से रिलेटेड जहाज में कुछ भी तकनीकी खराबी होती है उसको बनाना इंजन डिपार्टमेंट में होता है। और तीसरा होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट। खाने से रिलेटेड कैटरिंग डिपार्टमेंट में होता है। तो दोस्तों, डेक डिपार्टमेंट के बारे में डीपली में जानेंगे। डेक डिपार्टमेंट में जहाज पर स्टार्टिंग में भर्ती होते हैं तो आपकी जो पोस्ट मिलती है ओएश या सीमेनशिप की पोस्ट मिलती है, जिसका सैलरी 28,000 पर मंथ होता है। इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है बासुन, इसका सैलरी 42,000 पर मंथ होता है। इस रैंक पर भी सीधी भर्ती हो सकते हैं। इससे जो आप ऊपर की पोस्ट है जिसको हमें अचीव करना पड़ता है। थर्ड ऑफिसर की सैलरी 1,00,000 रुपए पर मंथ होती है। इससे जो ऊपर की पोस्ट होती है जिसे हमें अचीव करना पड़ता है सेकंड ऑफिसर, जिसकी सैलरी 2,00,000 रुपए से लेकर 4,00,000 तक होती है। डिपेंड करता है कैसी जहाज पर आप हैं। इससे जो ऊपर की पोस्ट होती है उसको भी हमें अचीव करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफिसर, जिसकी सैलरी 4,00,000 से लेकर के 6,00,000 तक होती है। इससे जो ऊपर की पोस्ट होती है चीफ ऑफिसर, जिसकी सैलरी 6,00,000 से 9,00,000 तक होती है। इससे ऊपर की जो पोस्ट है कैप्टन, जिसे मास्टर भी बोलते हैं, इसकी सैलरी 8,00,000 से 25,00,000 तक होती है। यह तो रहा डेक डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट के रिकॉर्डिंग इंजन डिपार्टमेंट में पैसा कम मिलता है। इंजन डिपार्टमेंट में जब आप शिपिंग लाइन को ज्वाइन करते हैं तो जो पोस्ट मिलती है वाइपर की मिलती है, जिसका सैलरी 24,000 पर मंथ होता है। इसके बाद जो रहे होती है ऑयलर, इसका पेमेंट 26,000 रुपए पर मंथ मिलता है। इस पोस्ट पर भी शिपिंग लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो रैंक होती है फिटर, इसका सैलरी 28,000 रुपए पर मंथ होती है। इस रैंक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो राय होती है फोर्थ इंजीनियर, इस पोस्ट को आपको अचीव करना पड़ता है। इसका सैलरी 70,000 रुपए पर मंथ होता है। इसके बाद जो रैंक होती है, इस रैंक को भी अचीव करना पड़ता है। थर्ड इंजीनियर, इसकी सैलरी 90,000 रुपए पर मंथ होती है। इसके बाद जो पोस्ट होती है सेकंड इंजीनियर, इसकी सैलरी 1,50,000 रुपए पर मंथ होती है। इसके बाद जो पोस्ट होती है फर्स्ट इंजीनियर, जिसकी सैलरी 3,00,000 से 4,00,000 रुपए होती है। इंजन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, जो इंडियन डिपार्टमेंट को संभालता है चीफ इंजीनियर, इसकी सैलरी 4,00,000 से लेकर के 10,00,000 रुपए तक होती है। जो कैप्टन के नीचे आता है, जहाज पर कैप्टन ना रहे तो चीफ इंजीनियर ही पूरे जहाज को संभालता है। यह तो रहा इंजन डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं कैटरिंग डिपार्टमेंट का। कैटरिंग डिपार्टमेंट में टोटल 2 पोस्ट होती हैं और इन दोनों पोस्ट को आप अजीब कर सकते हैं। चिप कुक, जिसकी सैलरी 50,000 से लेकर की क्लास तक होती है। असिस्टेंट कुक, जिसका सैलरी 25,000 स्टार्टिंग होता है, फिर यह चीफ कुक बनता है। इस डिपार्टमेंट को भी कैप्टन ही संभालता है। तो दोस्तों, जहाज पर इतनी सारी पोस्ट होती है। इसके रिलेटेड यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। यदि ऐसे ही मर्चेंट नेवी से रिलेटेड आपको जानना है मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।